हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट टुडेज मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी वर लर्निंग अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म. सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव लर्नड टू एक्सपेंड थ्री डिजिट नंबर्स, एंड टुडे वी विल सॉल्व वर्कशीट्स बेस्ड ऑन एक्सपेंडेड फॉर्म. सो योर फर्स्ट वर्कशीट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. वन इज़ डन फॉर यू. एक जो है आपके लिए कर दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है. लाइक 400 प्लस 6 टेंस एंड प्लस 5 वंस. सो फॉर दिस यू कैन ऑल्सो राइट द प्लेसेस एट द टॉप. आप टॉप पे प्लेसेस भी जो है वो राइट कर सकते हो. लाइक 400 जो है, 400 को आप 100 के प्लेस पे राइट करोगे. देन 6 टेंस को आप टेंस के प्लेस पे 6 राइट करोगे. देन वंस के प्लेस पे आप 5 राइट कर सकते हो. एज यू कैन डू इन द सेकेंड क्वेश्चन, लाइक 900 है तो आप 900 को कौन से प्लेस पे राइट कर सकते हो. आप प्लेसेस की हेल्प से इसको राइट कर सकते हो. लाइक 900 को आप कौन से प्लेस पे रखोगे, 100 के प्लेस के नीचे. देन 0 टेंस है, मीन्स टेंस की वैल्यू या टेंस जो है कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है 0. देन 7 वंस है, तो वंस के प्लेस पे क्या आया, 7. सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म. सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज 907. सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस क्वेश्चन इन दिस वे. नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज़ अबाउट राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म. वन इज़ डन फॉर यू. सो यहाँ पे आपको न्यूमरल्स राइट करने हैं. ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है आपको दी गई है. सो एक्सपेंडेड फॉर्म को आप प्रॉपर नंबर में आपको राइट करना है. लाइक 600 प्लस 20 प्लस 4, यू हैव टू राइट द न्यूमरल्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 624, जिसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे. सो इसी वे में आपको जो ये सारे क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करने हैं. लाइक 100 है तो यहाँ पे उसके लिए न्यूमरल वैल्यू हम लोग पहले लिखेंगे. सो 1, देन 50 है 5, देन वंस के लिए 9. तो दिस इज़ 159. ओके, सो 159 की एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है. सो इस वे में आपको इनके न्यूमरल्स जो हैं वो राइट डाउन करनी है. क्लियर? आप देख सकते हो यहाँ पे 100 में सिर्फ 1 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे 1 दिया गया है. बाकी के जो प्लेसेस हैं वो 00 हैं. ठीक है, तो उनके प्लेसेस को हम छोड़ देंगे. तो सिर्फ हम 1 राइट करेंगे. देन हम टेंस वाले में जा रहे हैं तो हमें पता है 50 दिया गया है. सो 50 में सिर्फ टेंस के प्लेस पे 5 है, वंस का प्लेस खाली है, 0 है. देन 9 जो है वो वंस के प्लेस पे आ जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. सो यू हैव टू कम्प्लीट दीज ऑल क्वेश्चंस इन दिस वे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.